नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं टीवी 9 पंजाब हरियाणा हिमाचल। हरियाणा के नूह में हिंसा के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में बेहतर शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने नई नीति लागू करने की घोषणा की है। शुक्रवार को हरियाणा मंत्रिमंडल के शिक्षक स्थानांतरण नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जो भी शिक्षक राज्य के नूह और मोरनी क्षेत्र में सेवा करना चाहेगा उन्हें ज्यादा वेतन दिया जाएगा। नई नीति का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा को बेहतर करना है, साथ ही शिक्षकों को नौकरी में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इस नीति से पहले लाई गई नीति में भी दूर दराज के क्षेत्र जैसे नूह और मोरनी में जो भी शिक्षक तैनात होने के इच्छुक थे उन्हें वेतन प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रावधान थे। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि इन क्षेत्रों में तैनात होने के लिए शिक्षक आगे नहीं आते हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां खाली रहती हैं। हरियाणा का नूह क्षेत्र हाल ही में सांप्रदायिक झड़पों के कारण खबरों में रहा। बीते सोमवार को एक शोभा यात्रा पर हुए पथराव के कारण नूह में कई लोग घायल हो गए तो वहीं 6 लोगों की मौत हो गई। नई नीति के तहत शिक्षक को रिक्ति के विरुद्ध पंचकुला जिले के मोरनी शैक्षिक ब्लॉक नूह जिले में स्थित स्कूल में तैनात होने के लिए शैक्षिकों की इच्छुक होना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 5 साल पहले जारी की गई नीति को निरस्त करके 2023 में एक नई नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति के अनुसार शिक्षक को रिक्ति के अनुसार पंचकुला जिले के मोरनी शैक्षिक ब्लॉक या पलवल जिले के हथीन शैक्षिक ब्लॉक या नूह जिले में स्थित स्कूल में तैनाती के लिए इच्छुक होना होगा, बशर्ते कि शिक्षकों ने मोरनी क्षेत्र के मामले में पंचकुला जबकि पलवल, नूह, फरीदाबाद या गुरुग्राम को अपना गृह जिला घोषित ना किया हो और ना ही पंचकुला जिले से या पलवल, नूह, फरीदाबाद और गुरुग्राम के किसी स्कूल से 10वीं या 12वीं की कक्षा की शिक्षा ली हो। बयान में उन्होंने कहा है कि क्रमशः उक्त क्षेत्रों के लिए ऐसे नियमित शिक्षकों को मूल वेतन का अतिरिक्त 10% और डीए का भुगतान किया जाएगा और तैनाती अवधि के दौरान अतिथि शिक्षकों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। नई नीति के अनुसार एक शिक्षक अपने सेवा काल के दौरान किसी स्कूल में अधिकतम 5 साल तक तैनात रह सकता है। इसमें कहा गया है कि योग्य नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक न्यूनतम 10 शैक्षिक ब्लॉक का चयन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले में राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों का मनोबल बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के परिवार के सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति को संशोधित किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में नीति को संशोधन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना 2023 शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री खट्टर ने पिछले महीने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन की भी घोषणा की थी। चूंकि नूह में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जहां लोगों के पलायन की खबरें सामने आ रही हैं और लोगों में काफी डर का माहौल है, ऐसे में सरकार के टीचर्स को ज्यादा वेतन देना डैमेज कंट्रोल करने के नाम पर सिर्फ एक खानापूर्ति है। ज्यादा वेतन का लालच हो सकता है कि टीचर्स को अट्रैक्ट करे, लेकिन नूह में हुई हिंसा का खौफ लोगों के मन में घर कर गया है। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।